मंदसौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थन में चुनाव प्रचार करने मंदसौर पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलने के बड़े उस्ताद हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की और कहा कि संघ परिवार में ईमानदारी थी और अब नया मोदी परिवार बना है, और ये मोदी परिवार जो नया बना है उसमें जो भ्रष्टाचार करके पकड़ा जाए और फिर मोदी जी की वॉशिंग मशीन में चला जाए, उनके वॉशिंग पाउडर का उपयोग कर ले तो वह ईमानदार हो जाता है। कांग्रेस द्वारा देश को डराने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारा हिंदू धर्म 750 साल की मुसलमान हुकूमत में खत्म नहीं हुआ, 150 साल के ईसाइयों के राज में खत्म नहीं हुआ, तो आज कहां से खत्म हो जाएगा। ये केवल देश को डराकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहार करते हुए कहा कि यही मंदसौर में सिंधिया ने कहा था कि शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे हुए हैं, कोई से भी साबुन से हाथ नहीं धुल पाएंगे। लेकिन पता नहीं सिंधिया जी को कौन सा साबुन मिल गया जिससे हाथ धुल गए, और वो गए तो गए, अपने साथ 22 लोगों को भी लेकर गए। पहले हमारे यहाँ पशु मेला लगता था और उसमें ढोर बिकते थे, आजकल विधायक भी बिकने लगे हैं। राम मंदिर उद्घाटन पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी को चुनाव लड़ना था, रामनवमी का इंतजार भी नहीं किया। अगर किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें जो जजमान बैठते हैं वो जोड़े के साथ बैठते हैं, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 4 व्यक्ति बैठे और चारों का जोड़ा आप ही देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, पीएम मोदी और आनंदीबेन पटेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा को धर्म से मतलब नहीं है, नोट और वोट से मतलब है। कांग्रेस देश को डराती है, कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। बात यह है, मोदी जी की राजनीति हमेशा रहती है, हिंदू खतरे में हो। अरे हिंदू धर्म कहां से खतरे में है, जब हमारा हिंदू धर्म 750 साल के मुसलमानों के हुकूमत में हमारा हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, 150 साल के ईसाइयों के राज में खत्म नहीं हुआ, तो आज कहां से खत्म हो जाएगा। ये केवल डरा के लोगों को डरा के उनको उनका फायदा उठाना चाहते हैं।